अरे मैं होटल आप लोगों ने देखा था। हेलो, हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था के मैप के बारे में, तो आप लोगों ने उसको देखा था? यस सर। तो उसके अनुसार आप लोग तो सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। सर हाँ एक बार सर, बता देते तो अच्छा होता। यस अच्छा सर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, मैं बताता हूँ आप लोगों को। मैं तो पूछा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना? ओके स्क्रीन को मैं शेयर कर रहा हूं, ठीक है? ये आया आप लोगों को स्क्रीन? आ रहा हाँ है। सर, आ रहा है ना? हाँ तो MCS 12 में हमने ब्लॉक 1 का यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस किया था ना। हाँ तो ये होगा आपका यूनिट 3। इसे मैं सर्किट के बारे में हम लोगों ने किया था। सर। मिनिमाइजेशन ऑफ गेट्स हम लोगों ने बता दिया था, ये मैप्स बताया था। सर 3 वेरिएबल का हुआ था 3 वेरिएबल्स का हुआ था ना? सर। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर ये BCA क्लास है ना। हाँ BCA का भी है, MCA का भी है, सभी के लिए। MCS 12 BCA में ओके भी सर, है और MCA में भी है, ठीक है? MCA 1 में भी ओके सर, है ओके। हाँ और BCA में भी है, ठीक है? और सर, ओके। लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्या? थर्ड वेरिएबल्स तक का मैंने बताया था ना आप लोगों को, है ना? हाँ सर, नहीं प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? मैं तो उससे खोल रहा हूँ। क्रोम में ही खोल रहा हूँ। ये देखो, ये फोर्थ वेरिएबल का, ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, ये फोर्थ वेरिएबल का हाँ सर, 4 वेरिएबल आवाज का आया? हुआ था। हाँ, यहाँ तो मैंने बताया था आप लोगों को कि हाँ फोर्थ वेरिएबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज। ये क्लियर था आप लोगों का? हाँ यस या नो बोलो। यस सर, हाँ यस सर। देखो, यहाँ पर मैंने बताया था ये फोर्थ वेरिएबल्स का 0 to 15 होता है। तो 15 के लिए 4 वेरिएबल होते हैं। 4 वेरिएबल का मतलब ए बी सी डी चारों रहते हैं, है ना? तो ए बी को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए, और सी डी को यहाँ कर रहा है, ठीक है? हाँ सर, अगर इसको ग्रुप वाइज करोगे तो यहाँ पर देखोगे ये बी नॉट को रिप्रेजेंट करता है, बी को रिप्रेजेंट करता है, बी नॉट को करता है, ये जो है सी नॉट को करता है, ये सी को करता है, ये ए नॉट को कर रहा है, ये ए को कर रहा है, इस डी नॉट और डी।
तो फोर वेरिएबल होते हैं। अब ये तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे जीरो जीरो का मतलब हो गया ए नॉट और बी नॉट, और नीचे में है ऊपर में है तो सी नॉट और डी नॉट। उसी तरीके से यहां पर देखो जीरो जीरो और जीरो वन है ना, तो ये आप यहाँ पर जीरो 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 वन तो वन बीट का चेंज हो रहा है, ये तो आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है, यस और नो बोलो, किसी कोई भी बोल सकता है। तो जीरो से एक बीट चेंज हुआ, फिर जीरो वन से वन वन हुआ, और फिर वन जीरो हुआ। तो जब ये बीट चेंज हो रहा है, आवाज आ रही है ना सभी को? हाँ, हाँ सर, हाँ सर, ये बीट जैसे चेंज हो रहा है, ये तो आप लोग को समझ आ रहा है ना? हाँ सर, तो इस बीट के अनुसार जैसे ही चेंज हुआ तो यहाँ पर जीरो होगा, ये वन होगा, ये थ्री होगा, ये टू होगा, उसके बाद यहाँ फोर होगा, फाइव होगा, सिक्स होगा, सेवन होगा। अब यहाँ पर जो है ये लास्ट वाले में एट नाइन टेन इलेवन होगा, फिर बीच में जो है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन होगा। ये कैसे होता है, ये तो क्लियर है? कैसे होता है? होता है पता है सर, कैसे होता है नहीं मालूम। इसको क्या करते हैं ना, हम आपको बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, इसको प्रेजेंट स्क्रीन को अभी शेयरिंग को उसको क्लोज कर रहा हूँ है ना, मेरा फिगर बोर्ड पे आ रहा है, ये मैं जो कर रहा हूँ ये शेयर हो रहा है आपको? नो सर, मैं नहीं हो रहा है ना, तो नहीं स्टॉप शेयरिंग कर, सर। मेरा पिक्चर आ रहा है अब बताओ? हाँ सर, आ रहा हाँ है। सर, यस सर, बराबर। हाँ आ रहा है ना, ये बोर्ड भी आ रहा है, हाँ सर, आ रहा है ना बोर्ड पूरा हाँ सर, है? आ रहा। तो मैं यहां पर दे रहा हूं जैसे फोर वेरिएबल्स सर के बोर्ड लिए को आप है थोड़ा ना, क्लोज कर दीजिए ना, हाँ बोर्ड को आप थोड़ा सामने ला दीजिए ना। आगे कर देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए वो चाहिए, बेस चाहिए ना, वो ठीक जगह पे उसको डिस्टेंस रहेगा ना। बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो रहा है क्या? नजदीक तो है एकदम, ठीक है। अब देखो नहीं हम सर, फोर वेरिएबल का ठीक कह रहे हैं, यहां पर देखो ए और बी सर, थोड़ा लेफ्ट और ले ये लीजिए सर, सी डी। सर कैमरा को थोड़ा लेफ्ट कर दीजिए ना, दिखेगा तो। अब ठीक है? नहीं सर, नहीं लेफ्ट में बोर्ड कॉर्नर में आ गया है। सर, आप ही का अब शैडो आ रहा है, आप अच्छा, ही का मेरा ही शैडो आ साइड रहा होगा ना, है सर। सर बोर्ड एकदम धुंधला दिख रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या है ना कि कुछ डिस्टेंस आएगा तो होगा ही ना, है ना? रुक जाओ, एक मिनट लाइट देता हूँ। करके लिखिए हाँ ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। अगर लेट करके लिखेगा तो सबको दिख जाएगा। अच्छा मैं इस साइड से लिखता हूँ है ना, हाँ इस साइड से मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखो अब नजर आ रहा है ये ऐसे है ना, ये देखो ए बी सी डी है, हाँ अब आ रहा है। हाँ अब समझ आ रहा है। हाँ सर, अब मैं यहाँ पे ये फोर वेरिएबल का देगा, सर बोर्ड चमक रहा है सर। अब ये इसका तो कोई सॉल्यूशन, रुको एक मिनट। अब क्लियर आ रहा है कि अभी भी कोई लाइट आ रहा है? लाइट आ रहा है सर, वहां पे दिखेगा नहीं जहां आप लिखेंगे तो। अब लाइट हाँ अब ठीक ठीक है, अब ठीक है। आ रहा है ना? ठीक है, हाँ हाँ सर, आप ही आ रहे थे।
हाँ अभी से ज्यादा नहीं किया जा सकता है ना। अब ये जो है देखो ए बी सी डी है, अब हमें लिखने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है ए बी सी डी है, तो यहाँ पर देखो मैंने कहा कि फोर वेरिएबल लेंगे, तो ये एक दो तीन और चार, ठीक है। हाँ अगर ये फोर है तो यहां पर इसको भी हम फोर करेंगे, वन टू थ्री फोर, है ना, ठीक है, हाँ यस नो करते जाना। यस सर अब यहां पे जैसे हमको ए है ना, और यहां पर बी, इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ए नॉट होगा बी नॉट होगा, क्योंकि यहां पर जीरो जीरो होगा, ठीक है। हाँ सर अब उसके बाद जीरो वन होगा, जीरो वन का मतलब होता है ए नॉट बी, ऐसे लिख सकते हैं। सर पूरा धुंधला है, क्या हुआ? धुंधला है, हाँ सर पूरा धुंधला है, बोर्ड में क्या आप लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ ना, उसी पर बुक पे ही समझाता हूँ, है ना, अच्छा तो आप लोगों को ये पसंद है, उसी पर सेल्स जो है ना उसी पे मैं कर रहा हूँ, पेज नंबर ठीक है। उसी पे मैं कर रहा हूँ, बुक पे ही, ठीक है, शेयरिंग ही कर रहा हूँ। शेयरिंग आया? नहीं सर। हाँ सर। नहीं हाँ आया? सर आया। आया कि नहीं? अब हाँ सर आया। हाँ सर आया। आया ना? ठीक। देखो यहाँ पर मैं जो बता रहा था, ये देखो ये ए और बी है ना, और ये सी और डी फोर वेरिएबल होता है, कितने होते हैं, फोर फोर वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल होता है, ए बी एंड सी डी, हाँ सर। हेलो हेलो सर, पॉज हो गया क्या? हेलो, हाँ सर। थोड़ा नेटवर्क का वो कनेक्शन हट गया था, कह रहे कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को, हाँ सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, फिर से करता हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ अभी। हो गया? हाँ वो हाँ सर। ये आ रहा है आप लोगों को? हाँ, बुक का पेज है।
पेज नंबर्स 8 है ना। सर थोड़ा सा पेज नंबर, जूम कीजिएगा, इसको और पेज को जूम थोड़ा करेंगे सा ना, तो फिर आप। जूम करने से नहीं मतलब है, फिर आपको ये बड़ा हो जाएगा, जूम करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आप खुद जूम कर लो, ठीक है सर, स्क्रीन को बड़ा अपना करने कर से आपको लो दिख जाएगा। आपके। तो ये देखो, ए बी और सी डी के बारे में मैं बात कर रहा था। ए बी और सी डी 4 वेरिएबल होते हैं, है ना। हाँ सर, ए बी के लिए 0 0 लेते हैं, सी डी के लिए 0 0 लेते हैं। जब 0 0 दोनों में होगा वेरिएबल, तो उस पोजीशन पर 0 होगा। यहाँ पर देखिए, 0 0 0 0 यानी कि 0 हुआ। यस या नो बोलते जाओ। अच्छा यस सर, फिर है 0 0 0 1, तो देखिए यहाँ पर 0 0 0 1 यानी कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। यस फिर क्या है, सर, 0 0 1 1, तो यहाँ देखो 0 0 1 1 यानी कि यहाँ पर 3 होगा, यहाँ थ्री देखिए 3 है। फिर है 0 0 1 0, तो 0 0 और 1 0 यहाँ पर मिसप्रिंट है ना 4 के लिए। तो हाँ ये ठीक है, 0 1 0 0 ठीक है। तो 0 1 0 0 यानी 4 हो गया। 5 के लिए 0 1 0 1 यानी कि 5 हो गया। इसी तरह 0 1 1 0, तो मतलब कि 0 1 1 0, तो 0 1 1 0 यानी कि 6 हो गया। यहां तक समझ आया आप लोगों को? यस सर, हाँ सर, हाँ सर, यस हाँ ठीक है। उसके सर, बाद यस है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12 13 14 15 क्यों आया? सर, बताइए ना सर, हेलो, पेज नंबर। पेज नंबर 8 है। नहीं सर, 67 है हम लोगों का पेज। अच्छा, नहीं मेरे पास ब्लॉक यूनिट 3rd में, जो भी हो अपना देख लेना उसको यूनिट, क्योंकि हम पीडीएफ से बता रहे हैं ना, पीडीएफ में ब्लॉक वाइज है, यूनिट वाइज है ना। तो यहाँ पर ओके देखो, 1 1 और 0 0 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0 ट्वेल्व हो ट्वेल्व जाएगा। फिर 1 1 0 1 क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। फिर 1 1 1 1 यानी कि 15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 यानी कि 14 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर, फिर क्या है, 1 0 0 0 8 हो जाएगा। 1 0 0 1 9 हो जाएगा। 1 0 1 1 11 हो जाएगा। और 1 0 1 0 यानी कि 10 हो जाएगा। इस तरीके से ये 4 वेरिएबल का के मैप को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यस सर, आता है कि इसको के मैप को, ये तो हमको मान लो कि ये क्वेश्चंस आएगा। अब ये कह रहा है कि इसको हम ग्रुप वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रुप वाइज यहाँ पर देख रहे हो, ये ग्रुप बनाते हैं, जैसे या तो 2 का ग्रुप बनाएंगे या 4 का ग्रुप बनाएंगे, है ना, या 8 का बनाएंगे, ठीक है। तो जैसे, और तो इसका रूल्स है, या तो आसपास हो तब उसको हम ग्रुप बना सकते हैं, या आपके आमने सामने हो, जैसे यहाँ पे है और यहाँ पे है तब ग्रुप बनेगा, यहाँ है और यहाँ है तब भी ग्रुप बनेगा, ठीक है। यस सर, इसको कहते हैं टाइप ऑफ एडजेसेंसीज, एडजेसेंस फॉर 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर का ग्रुप बनाना है, 2 स्क्वायर के ग्रुप बनाना, समझ आ गया। यस सर, उसी तरह 4 स्क्वायर का ग्रुप बनाना। 4 स्क्वायर का बनाने का मतलब, या तो ये एक साथ हो, ठीक है, ये देख रहे हो यस सर, स्क्वायर, या तो यस, आमने सामने का 2 हो, इधर का भी 2 हो, ये 4 हुआ, या ये 4 कॉर्नर का बन जाएगा, देख रहे हो, यस सर, चारों कॉर्नर का बन जाएगा, या ये सामने आमने सामने का बन जाएगा। इस तरीके से भी 4 का बनता है। अब 8 का कैसे बनता है, 8 का क्या है, ये पूरा 4 और इधर पूरा 4, इधर पूरा 4, इधर पूरा 4, तो ये 8 का बनेगा। तो ये 8 का ग्रुप बना, ये क्लियर है कैसे बन रहा है। यस सर, हाँ, तो इस तरीके से ये आपका ग्रुप वाइज स्क्वायर का हम यूज करते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है,
जो मैंने आपको समझाया, डेसिमल इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम्स आर गिवन फॉर हेल्प इन अंडरस्टैंड वेयर द पोजीशन द रिस्पेक्टिव सेट लाइज। इट इज नॉट द वैल्यू फिल इन द स्क्वायर, ए स्क्वायर कैन कंटेन वन और नथिंग। ठीक है, जैसे जीरो है, 0 1 है, 3 है ना, तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कॉर्नोप मैप में ट्रूथ टेबल, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, ये देखो, ये है ना, हाँ ये स्क्रीन पर आ रहा है आपका। पहले यस सर। क्वेश्चंस देखो। नाउ लेट, मतलब कि एक एग्जांपल है। नाउ लेट अस सी हाउ टू यूज के मैप सिंप्लीफिकेशंस फॉर फाइंडिंग द बुलियन फंक्शंस फॉर द केसेस हुज ट्रूथ टेबल इज गिवेन इन फिगर 3.8 और बी। मतलब ये जो फिगर दिया हुआ है, देख रहे हो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर केवल ये क्वेश्चन दिया है कि 0 to 15 है और जहां जहां 1 है, ठीक है। देखो यहाँ कहाँ कहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। आउटपुट पे देख रहे हो, आ रहा है सभी को नजर? सर 0 1 2 6 हाँ 8 9 10 में 1 रहेगा ना सर। हाँ यहाँ पर देखो ना, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। जो 1 है बस उसको समझो कि ये 1 है। तो जहां जहां 1 है, यहाँ पर लिखा है एफ सिग्मा 0, जिस जगह 1 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देख रहे हो, ये हाँ है ना। बाकी जो अच्छा 0 को, 0 है उसको नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये एक हाँ सर। एग्जाम्पल दिया हुआ है। यस नो बोलो, यस सर। ये हाँ क्लियर है? क्लियर सर। हाँ सर। हाँ, तो इसके बाद जब ये के मैप बना, अब इसी के अनुसार ये देखो, यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है, ये इसको भी नजर आना चाहिए, ये है ना। अब देखो, इसको नीचे लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ये देखो, ये थोड़ा स्क्रीन बड़ा करते हैं, आ रहा है आप लोगों आ रहा है सर। को, आ रहा है ना। अब जो क्वेश्चन में था 0 1 2 6 8 9 10 था ना, है ना। हाँ तो ये सर। के मैप हम जैसे पहले बनाए थे उसी तरीका ये के मैप यस सर। है ना। अब जहां जहां 1 है, जैसे 0 के पोजीशन पर 1 था, तो यहां 0 के पोजीशन में 1 लिखेंगे। समझ रहे बातों को? यस सर। फिर यहां देखो, ये 1 है यहां पर लिखा हुआ, तो यहां पे 1 लिखेंगे इस जगह पे। यस सर। उसके बाद क्या है, 2 के जगह पर 1 है, तो 2 यहां है। यस सर। फिर 6 की जगह, तो 6 यहां है। यस सर। फिर 8 यहां है, यस 9 सर। यहां है और 10 यहां है। यस सर। उस सभी जगह को 1 कर दिए। यस सर। अब कह रहा है कि मैंने अभी प्रीवियस में बताया था पहले कि या तो 4 का ग्रुप बनेगा या 2 का ग्रुप बनेगा, बनेगा हाँ सर। ना। हाँ हाँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4। तो पहला तो 4 कॉर्नर का बन गया ग्रुप, पेयर्स जिसको कहते हैं, हाँ है ना। यस सर। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ये यहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ, ये देखो, ये 2 है और ये 2 है ना। हाँ यहाँ देख रहे हो, सर। इसको भी हम 4 का ग्रुप बना सकते हैं। यस सर। ऊपर में 2 का ले लिए, इसका 2 को ले लिए, है। यस सर। यस सर। हाँ हाँ सर। या तो इसको 2 का ही ग्रुप बनाकर सॉल्व कर दो, या 4 का ग्रुप बनाकर सॉल्व कर दो। ये हो गया सॉल्व। तीसरा जो है, ये देखो, ये 2 का ग्रुप बन सकता है, ऊपर नीचे है हाँ तो कैसे ग्रुप बना, पेयर्स कैसे बना, ये क्लियर हो गया आप लोग को? तो हाँ सर। हाँ सर। इसको आप लोग कॉपी पर पहले नोट आउट करो, अगर कॉपी रखे हो, है सभी के पास? हाँ सर। हाँ तो इसको नोट हाँ आउट करो, क्योंकि यही चीज हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, है ना।
कि सर ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो ये वाला डायग्राम और ये वाला जो नीचे है उसको लिखो, जल्दी से लिख लो तो हमें बताओ। सर चार का ग्रुप जो है वो मतलब ऊपर नीचे अगर पैरेलल होगा तो ही बनेगा ना, मतलब अगर वो अलग अलग होगा नहीं बनेगा। जब पेयर बनाओगे भी तो तुम लोगों को समझ आएगा। बना लेना तो बोलना है ना, हाँ सर हो गया। हो गया ना, आगे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कैसे कैसे हुआ है ना, उसी चीज को मैं सॉल्व कर रहा हूं आगे। अब देखो यहां पर जो फोर कॉर्नर्स को लिया गया है, यहां पे ये फर्स्ट फोर कॉर्नर के लिए सॉल्व कर रहा है ना। इसको डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं है ना, फोर अच्छा कॉर्नर्स के। हेलो फिर नेटवर्क चला गया लगता है सर का। हाँ सर फिर से इंटरव्यू चला गया। नेटवर्क थोड़ा चला गया था, ओके क्या पता क्यों अपने आप चला जा रहा है नेटवर्क। ठीक है सर। तो ये मैं बता रहा था, ये शेयर हो गया ना आप लोगों को स्क्रीन? हो रहा है हाँ सर। हाँ सर ये स्क्रीन आपको नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ यस सर यस सर आ रहा है।
एकदम जो चीज है ऊपर वाला चीज और नीचे वाला चीज दोनों आ रहा है। यस तो ये मैं बता रहा था, ये फोर कॉर्नर को ले रहा है, इसको ये वाले को नहीं ले रहा है, ये इसको 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 ले रहा है। तो इस कॉर्नर को अगर हमको लिखना हो तो यहाँ जीरो जीरो है, तो ए नॉट बी नॉट लिखेंगे हाँ लिखेंगे ना, यस और नो बोलो, हाँ नहीं समझ आया हाँ सर तो लिखेंगे वो भी बोलना है। लिखेंगे हाँ जहाँ सर जीरो वो हम होता है लोग वहां नॉट जैसे होता है, पहले बताया था ना सम हाँ ऑफ सर प्रोडक्ट जब प्रोडक्ट ऑफ हाँ फर्म के सर समय। एसओपी और यस पीओएस में ही बताया था हाँ, तो ए बी ए नॉट बी नॉट और ऊपर में भी जीरो है, तो सी डी वेरिएबल का जीरो जीरो यानी ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट होगा हाँ सर होगा ना। अब हाँ इसके बाद यस सर इस कॉर्नर को लो, इसको है ना। अब यहां पर देखो इसके जी सामने में ये यहां है ए बी ए नॉट बी नॉट हो गया यस सर हो, और ये जो है 1 0 है यानी कि सी और डी नॉट हो गया होगा हाँ सर ना। हाँ सर हाँ सर उसी चीज को यहां पर लिखा है, देखो ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट प्लस ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट, समझ आया। यस सर उसी तरीके से फिर नीचे आएंगे, यहां पर है ए बी नॉट लिखेंगे इस कॉर्नर के लिए, हाँ ए बी नॉट और ऊपर में सी नॉट और डी नॉट होगा, तो यहां पर लिखा गया ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट, समझ आया। सर अब इस कॉर्नर को लेते हैं, इस वाले लास्ट कॉर्नर को, ये कौन 9 बजे उसको आ रहा है। अब यहां पर ये लास्ट वाले को देखो क्या है, ए बी सी डी, यहां पर क्या होगा, ए बी नॉट जी होगा। सर हाँ हाँ सर 1010 है सो ए तो बी नॉट सी डी नॉट हाँ वेरी गुड, तो इसको यहां पर लिख दिया ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ए बी नॉट सी डी नॉट, ऐसे लिख सकता हाँ है। हाँ सर यस सर अब दोनों का दो ग्रुप है, तो यहां पर इसके नेक्स्ट लाइन में आते हैं, तो यहां पर देखोगे इन दोनों के बीच में हमको कॉमन निकालना है, किसको निकालना है, कॉमन कॉमन ए डैश कॉमन सी। निकालना है। उसमें कॉमन क्या निकलेगा, ए नॉट बी नॉट डी नॉट निकलेगा, हाँ सर यस सर निकलेगा, तो यानी कि सी नॉट हाँ प्लस सी बचेगा। यस सर उसी तरह से यहां पर देखोगे तो ए बी नॉट डी नॉट निकलेगा कॉमन, हाँ सर तो सी नॉट प्लस सी बचेगा, यस सर हाँ तो सी प्लस सी नॉट इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। होता तो फिर क्या बचा यहाँ पर, ए नॉट बी नॉट डी नॉट, यहाँ पर क्या बचा, ए बी नॉट डी नॉट बचा। हाँ हाँ सर हाँ तो सर फिर इसमें से बी नॉट और डी नॉट कॉमन हो गया, यस सर तो ए नॉट प्लस ए यानी कि फिर से 1, यस सर हाँ सर तो क्या बचा आपका बी नॉट और डी नॉट। क्लियर हो गया फर्स्ट फोर कॉर्नर का, हाँ सर यस सर हाँ सर डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे बी नॉट और डी नॉट, वो ऊपर में हमने ग्रुप बनाया था ना, इसका इधर का बी नॉट होगा इधर का डी नॉट होगा इधर का सी नॉट होगा इधर का, हाँ तो यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे वो कॉर्नर को, है ना। सर और इसे इस डायरेक्ट डायरेक्ट का कैसे यानी सिंप्लीफिकेशन किए थे सर ये तो सिंप्लीफाई किए तो बी नॉट और डी नॉट आ गया। नहीं सर ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला है मतलब आप बोलो ना डायरेक्ट हम लोग भी लिख सकते हैं यानी कुछ मेंटल हाँ कैलकुलेशन से तो वो यहाँ पर के नहीं लिए इसको समझना पड़ेगा, इन दोनों का जो कॉर्नर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नॉट बी नॉट सी नॉट और डी नॉट, है ना। सर और यहाँ पर इन दोनों का जो कॉर्नर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट बी नॉट सी सी नॉट सी डी नॉट, इन दोनों को जब कॉर्नर को कॉमन करोगे तो वो आ जाएगा ए नॉट बी डी नॉट। फिर इसी तरीके हाँ से इन दोनों को कॉर्नर को करोगे तो ये आ जाएगा ए बी नॉट डी नॉट, है ना। अब कैसे आएगा, हाँ इनको ग्रुप बनाओगे उस समय डायरेक्ट जैसे जैसे हाँ प्रैक्टिस होता है वो बन जाता है, इसको हम लोग मानते हैं ए नॉट, इसको मानते हैं, हाँ इसको बी नॉट मानते हैं, सुनो
सुनने बातों को बीच में आवाज आ रहा है। ऊपर में मैंने बताया, तो ऊपर में मैंने बताया था ग्रुप वाइज, दिखाए उसको फिर से ऊपर जाए। देखो यहाँ पर मैंने समझाया इसी चीज के लिए, सर ग्रुपिंग समझ में आ रहा है कि ग्रुपिंग मतलब आपने जो हमें कहा ना कि ये हमने हाँ, उसी चीज को ग्रुपिंग को देखो यहाँ पर मैंने समझाया था ना कि यहाँ पर डिनोट हो जाता है। समझ गए बातों को, और हाँ, इधर को डिनोट, इस कॉर्नर को, इस कॉर्नर का जो आया वो बिनोट और डिनोट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, इसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बहुत इजी चीज है, ऐसा नहीं है बहुत ये मुश्किल चीज है ना। अब आता है कि हमने जो बनाया था वो तो फोर कॉर्नर का ऊपर वाले का बनाया था, फोर कॉर्नर जो था साथ वाला था दो दो का, वो देखो यहाँ पर ये वाला, ये है ना दो, ये दो कॉर्नर का और ये दो, ये हुआ ना फोर। अब इसको हम जब करेंगे सिंप्लीफाई तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, है ना, और एक लिखेंगे ए नॉट बी नॉट सी नॉट और डी, तो यहाँ पर देखो वही चीज लिखा होगा, लिखा हुआ है ना ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ए नॉट बी सी नॉट डी। हाँ सर, उसी तरीके से यहाँ पर भी लिखा है ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट, ए बी नॉट सी नॉट डी। अब इन दोनों का कॉमन जैसे निकालते हैं सेम निकालेंगे, और उसका जब कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बी नॉट और डी नॉट, क्या आएगा डी। हाँ सर, ये तो वन हो गया डी नॉट प्लस डी दोनों में, और लास्ट में हमारा देख लो सिंपलीफिकेशन को, देखो अगर नहीं समझ आता तो मैं बताऊंगा, इसको देखो सर। सर हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है सर। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए हेडिंग देना पड़ेगा। हाँ हाँ, उसको लिखना जरूरी है, ऐसे लिख सकते हो सेकेंड कॉर्नर सेकेंड उस सेकेंड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप के लिए, है ना, तो ऐसे तुम इसको लिख सकते हो, ठीक है। इसको लिखना जरूरी है, नहीं तो आप डायरेक्ट जो होता है वो भी निकलता है जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करोगे तो वो भी निकल जाएगा। अब ये कैसे हुआ था ये तो आप लोगों को सबका क्लियर है कॉन्सेप्ट। हाँ सर, मार्क्स के ऊपर क्या वो सिंपलीफिकेशन दिखाना है, नहीं वो मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा। नहीं, सिंपलीफाई दिखाना जरूरी नहीं था, कि मैप आप बना भी लिए अपने इच्छा से डायरेक्ट भी लिख दिए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, ये नहीं है कि आपको सॉल्व, लेकिन वो सॉल्व सही होना चाहिए। ओके सर, वो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये तो आपको समझाने के लिए कि ये आग कैसे रहा, हाँ। okay, आप अपने इच्छा से अपने से वो कैलकुलेशन करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना, वो जो ऊपर वाला जो बताया मैंने ग्रुप कॉर्नर ग्रुप से, और ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी करोगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, और आप उसको करोगे डायरेक्ट तो। अब एक थर्ड था जो यहाँ पर तीसरा जो ग्रुप था, ये था ना, ये थर्ड, ये वाला सारा का तो हो गया, ये पेयर बचा था, तो ये लास्ट वाले पेयर के लिए देखो 1 0 0 1 0 है, 0 0 1 0 के लिए क्या होगा, यहाँ पर जो है ए नॉट बी नॉट सी डी नॉट होगा, ए नॉट बी सी डी नॉट होगा, ठीक है। और इसमें जो कॉमन निकलेगा ए नॉट सी डी नॉट, है ना, क्या कॉमन निकलेगा, ए नॉट सी और डी नॉट। तो जब कॉमन निकल गया तो क्या बचा, बी नॉट प्लस बी, बी नॉट प्लस बी हो गया है, यानी कि बी नॉट प्लस बी इक्वल वन। तो बी नॉट, तो यानी कि इसका जो हो गया ए नॉट सी डी नॉट होगा, और इसका कोई कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है।
तीनों को हम ऐड करेंगे, तीन जो हमने बनाया, पहला फोर कॉर्नर्स का, फिर सेकंड फोर उसका कॉलम्स का, और उसके बाद टू का, तो उसका जो रिजल्ट आया है क्या, बी नॉट डी नॉट प्लस बी नॉट सी नॉट प्लस ए नॉट सी डी नॉट। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। तो अब ये जो हम मिनिमाइज किए, सिंप्लीफाई किए, उसका जो के मैप होगा है ना, उसका सर्किट बनेगा, कैसा बनेगा वो आगे होगा। एक और है ना, इसको कहते क्वाइन मैकलुस्की मेथड। क्या कहते हैं, जैसे के मैप होता है उसी तरह से इसको हम कहते हैं क्वाइन मैकलुस्की मेथड। ठीक है, वो जो ग्रुप बना था याद है ना, वो जो जो जहां जहां था वन वन, इसमें कोई पेयर नहीं बन रहा है, जहां वन है क्वेश्चंस देखो, एफ का पोजीशंस पे किस जगह पे वन है, जीरो था उसके बाद वन था ना, उसके बाद फोर था, ऐसा था, तो उस चीज को, तो जीरो है, वन है, फोर है ना, तो उस पोजीशन के लिए ये क्वाइन मैकलुस्की मेथड होता है, जिसको कि इसमें यहां पर क्या दे रहा है, ए बी सी डी ई है ना, जैसे एफ में दिया हुआ है, गिवन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, ए बी सी डी फाइव वेरिएबल का है, यहां पर देख रहे हो, वहां पर हम लोग कितने वेरिएबल का बना रहे थे, फोर वेरिएबल का, यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, फाइव वेरिएबल का। अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर ए बी सी डी ई के लिए एफ जैसे जीरो वन टू थ्री सिक्स दे रहा था ना, यहाँ पर जो है क्वेश्चन जो है ये है, क्या दिया है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी नॉट ई, समझ आया, उसके बाद है ए बी नॉट सी नॉट डी ई, ठीक है, उसके बाद है ए नॉट बी सी डी ई नॉट, ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है ए नॉट बी नॉट सी डी ई, यहाँ पर है ए नॉट बी नॉट सी नॉट डी ई, फिर ए बी नॉट सी नॉट डी नॉट ई, वहां पर फिर लास्ट में एक में ई है बाकी में नॉट है। अब यहाँ पर हमको क्या चेक करना है, इसको हमको पेयर बनाना है। अब जहां जहां नॉट नहीं है वहां वहां क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और जहां नॉट है वहां जीरो हो जाएगा, देख रहे हो, जैसे ये और ये पेयर बना, तो ये जो जो वन है तो वो तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ वन जीरो जो है क्या हो जाएगा, पेयर कॉमन नहीं बना, यानी कि ये डी हट जाएगा, यस या ना नो बोलो, यस सर, वो डी प्लस डी नॉट आएगा तो वो वन हट जाएगा, तो फिर यहाँ पर उसी तरीके से देखो, ए बी नॉट सी नॉट डी, यहाँ पर है ए नॉट बी सी डी ई नॉट, यहाँ पर देखो, यहाँ वन जीरो वन जीरो, यहाँ वन जीरो वन जीरो, यहाँ वन जीरो वन जीरो, यहाँ वन वन, यहाँ वन जीरो, मतलब कि पेयर जो है केवल एक है और बाकी का क्या है, जीरो है ना, हाँ, तो यहाँ पर ए नॉट और ए है, बी नॉट तो कॉमन हो गया, सी नॉट और सी नॉट कॉमन, डी डी और ई, अब ये क्या करेगा, इसको सर्च करेगा कि इनमें सबसे ज्यादा कॉमन किसके साथ है, ठीक है, ये देखो वन जीरो जीरो वन वन, तो इसके अनुसार जो कॉमन निकलेगा, जैसे यहाँ वाला जो है सर, ये वाला, हाँ बोलिए, क्वीन मैकलुस्की को बोर्ड में बता देते तो अच्छा होता थोड़ा। एक्चुअली क्या है ना कि आप लोगों को बोर्ड वाला तो पूरा क्लियर नहीं आ रहा था ना, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ, वही चीज है, इसको बोर्ड पर भी मैं यही लिखूंगा जो आपको सामने में है ना, कोई अलग नहीं लिखूंगा, इसको तो और लिखने में समय लगेगा, ठीक है, तो इसमें जो जो कॉमन निकल रहा है,
ठीक है, उनको कॉमन निकालेंगे तो देखो एक पेयर निकला है, दो पेयर निकला है, थ्री पेयर निकला है, मतलब लेकिन एक जो ऊपर वाला जो हम कर रहे थे उसका पेयर यहां पर देखो ये, तो इनमें ये ग्रुप को चेक करके यहाँ पर पेयर निकाला, समझ आए बातों को? डिफर, जिसमें केवल एक वेरिएबल का ही डिफर हो, बाकी चीज में सब में सेम हो, उसको हम पेयर बनाएंगे और उसके अनुसार उसको कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पर देखोगे कि ए बी सी डी ए बी सी, यहाँ पर देखो यहाँ पर केवल ए का है पेयर नहीं है, यहाँ पर जो है बी का पेयर नहीं है, और यहाँ देखोगे फिर ए का पेयर नहीं है, तो उसको सभी को चेक करने के बाद पेयर बनाए कॉमन जो निकला, उसके बाद फिर इनका पेयर निकलेगा, फिर इनका पेयर निकलेगा। तो चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर देखो जिसका जिसका पेयर बन रहा है वो लिख रहा है ना, देख रहे हो कि किसके द्वारा पेयर से क्या रिजल्ट निकला। जैसे पहला निकला था ए बी सी डी, तो किसका पेयर से निकला, ए सी डी नॉट किसके पेयर से निकला, बी सी नॉट ई किसके पेयर से निकला, समझ रहे हो? सर ये लास्ट वाला थोड़ा फिर बताइए ना, पेयरिंग लास्ट पेयरिंग तो ये वाला ना, ये वाला लास्ट में जो पेयरिंग हो रहा है तीन सिलेक्शन का, वही 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 सर बॉक्स के अंदर ये वाला ना, ये तो ये वाला जो है यहाँ देखो ये पेयर है यहाँ पे ये, और ये पेयर जो मिनिमाइज किया तो दोनों को यहाँ पर देखो लिखा है बी सी नॉट डी ई, यहाँ पर क्या लिखा है बी सी नॉट डी नॉट ई, इन दोनों पेयर को फिर कॉमन किया है, और इसमें जो कॉमन निकला वो क्या निकला है बी नॉट सी नॉट और ई, यानी कि डी और डी नॉट नहीं निकला, समझ रहे हो? अच्छा ठीक, और तो अब उसके दो और बचे हैं उनका कुछ नहीं होगा, उसका नहीं निकल रहा है तो नहीं निकलेगा ना। अच्छा, जब तक मिनिमाइज करेंगे, जब तक कॉमन निकलेगा तब तक करेंगे, जब कॉमन नहीं निकलेगा तो उसको हम कॉमन कैसे निकालोगे, जब कॉमन निकलेगा तभी तो उसको दिखाएंगे, तो जिसका कॉमन निकल रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो जो निकला फाइनली क्या निकला ए बी सी ई ए नॉट सी डी ई नॉट, और उसमें निकला बी सी नॉट ई, फाइनल एक्सप्रेशन इज ये है। अब इसी चीज को कैसे कैसे ये किया इसका आप ये सिंप्लीफिकेशन ये बनाइएगा, ये सॉल्व करके इस अच्छे की ओर प्रोग्रेस में भी है ना, सिंप्लीफाई करना, ये जैसे के मैप है, ये आप लोग आज इवनिंग में क्लास है आप लोगों का, ठीक है तो ये आप बना के लाइएगा, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत होगा आप लोग हमें दिखाइएगा, कैमरा पर तो दिखा ही सकते हैं, अगर कोई आपको दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछिएगा। ये वाला जो क्वेश्चंस है थर्ड नंबर, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बुलियन फंक्शंस इन सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म्स बाय मींस ऑफ के मैप्स, क्योंकि इसको बना लोगे तो मेरे ख्याल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो है पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई सर, हाँ बोलिए। क्वीन मैक्लाउसी मेथड क्या दूसरे तरह से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे जो वन वन कॉमन है उसमें टिक मारना है ऐसा? हाँ, उसका दूसरा एग्जांपल देखना, नेक्स्ट क्लास में हम आपको एडर्स का बताएंगे, ठीक है? आप एडर्स बताएंगे तो नंबर कटेगा तो नहीं है आपका, क्या चीज का आएगा उसमें जो आएगा वो आपको सॉल्व करने